हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? पांच मापों की आवश्यकता होती है एक अद्वितीय चतुर्भुजे बनाने के लिए। तो बच्चों, आज हमें चतुर्भुजों के बारे में चर्चा करेंगे, चतुर्भुजों की रचना करेंगे कि किस किस प्रकार से पांच पांच मापों से कैसे हमें चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर तीन में क्या है? तीसरी टाइप है ये। हमने जो पहली टाइप की चार भुजाएं एक विकर्ण से कैसे चतुर्भुज बनाते हैं, दूसरी टाइप की तीन भुजाएं और दो विकर्ण से कैसे चतुर्भुज बनाते हैं, और ये तीसरी टाइप का थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या दो आसन्न भुजाएं है और ये कितने बच्चों तीन कोण दिए हुए हैं। दो आसन्न भुजाएं तीन कोण है, तो उनसे हमें चतुर्भुज की रचना कैसे करें। बिल्कुल वही तरीका बच्चों जो हमने पहले किया है। एक बार हम रफ आकृति बना लेंगे PLAN चतुर्भुज की, ऐसे करके PLAN एक रफ आकृति बनाएंगे, ऐसे। ये हमने बच्चों एक रफ आकृति बना ली और इस पर हमने नाम लिख दिया PLAN, और इसमें L पर 90 डिग्री का एंगल है, क्या हुआ बच्चों, A पर 85 डिग्री का, P पर 120 डिग्री का यहां पर एंगल है, और PL 4 सेंटीमीटर है, LA 6.5 सेंटीमीटर है। ये बच्चों दी हुई है, हमने एक रफ आकृति खींची। बिल्कुल वही तरीका हम अब एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। रफ आकृति को देखिए, ऐसे इनके माप दिए हुए, इनको देखिए, जैसे PL 4 सेंटीमीटर लीजिए, यानी पैमाना लेके यहां पर आप 4 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, ऐसे करिए। ये बच्चों हमने PL 4 सेंटीमीटर खींची। इसमें आप ठीक कर सकते हैं, भाई PL को हमने कर लिया, PL 4 सेंटीमीटर खींच, फिर L बिंदु पर बच्चों क्या करना है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाइए। प्रकार की सहायता से L बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है हमें बनाएंगे, जैसे ये लेकर थोड़ी सी प्रकार ऐसे खोलेंगे, साठ, और यहां पर 120। ये अब यहां से एक चाप यहां से लगाएंगे, यहां पर 60 वाले एंगल से ऐसे, एक 120 वाले से लगाएंगे ऐसे। ये फिर हमें क्या करेंगे इसको बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा, यहां से हमें एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण बना। उसके बाद एल ए, थोड़ा सा इसको रेखा को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे। अब इसमें एल ए कितना लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5, यहां से ऐसे खोल के पैमाने पर 6.5 सेंटीमीटर रखेंगे, ये रख के, और 6.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगा देंगे एल बिंदु से, ऐसे करेंगे ऐसे, ये एक चाप लगा दी हमने 6.5 सेंटीमीटर, और जो ये बिंदु आया बच्चों, ये बिंदु आया हमारे पास ए, कौन सा बिंदु आया, ए बिंदु। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए आप, ए बिंदु आपके पास, जो जो हमने ले लिया, PL 4 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री, AL यानी LA 6.5 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए साथ साथ, 6.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर बच्चों क्या करें, P बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाइए, यहां PL पर, सॉरी यहां पर L बिंदु पर दिया हुआ था ये 90 डिग्री का, एल पर है 90 डिग्री का कोण,
जो आपको दिया हुआ है कोण L 90 डिग्री। अब यहां पर हमें क्या करेंगे, P बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। P बिंदु पर ऐसे थोड़ी सी प्रकार खोल के और P बिंदु पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। थोड़ी सी और खोल लेते हैं, ये 120 यानी 60, और दूसरा जो हमारा दूसरी चाप लगेगी ये 120। ये बच्चों 120 डिग्री का हमने P बिंदु पर कोण बना दिया। ये और यहां पर लिख देंगे 120 डिग्री, पी बिंदु पर 120 डिग्री। अब ए बिंदु पर 85 डिग्री का कोण बनाना है बच्चों। इसको हमें प्रकार की सहायता से नहीं बना पाएंगे, तो चांदे की सहायता से हमें इस पर देखिए, यहां पर दिए हुए आपके सामने 0 डिग्री ऐसे लेके यहां पर 90 95 100 ऐसे 85 है तो 90 थोड़ा सा पहले, ये दिया हुआ है यहां पर देखिए 90, ये 80, 90 और 80 इसके बीच में 85 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, ऐसे रख के बीच में ये रख लिया मैंने, और 85 डिग्री का बनाना है तो 85 के सामने एक बार टिक कर लेंगे ऐसे रख के बच्चों, ये यहां पर इस पर रेखा पर सीधा ये 90 है, 80 और 90 के बीच में ये 85 डिग्री है, यहां पर मैंने टिक कर लिया बच्चों। अब जो ये हमने 85 डिग्री का कोण बनाया, इसको ऐसे एक रेखा से मिलाएंगे ऐसे, जो ये बिंदु आया पी एल ए एन, ये यहां पर जो एंगल है बच्चों ये 85 डिग्री, ये 85 डिग्री है। अब इसमें हम रचना कैसे लिखें, और यहां पर देखिए दो आसन भुजाएं हैं, तीन कोण दिए हुए हैं। अब हमने बच्चों इसमें रचना कैसे लिखनी है, रचना बहुत ही आसान, जैसे एक रेखाखंड पीएल 4 सेंटीमीटर खींचिए, सेकंड अगला स्टेप है एल बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, एल बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए जो कि ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार ए बिंदु को केंद्र मानकर 85 डिग्री का कोण बनाइए तथा पी बिंदु को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाइए, दोनों रेखाएं बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार पी एल ए एन एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गई। बच्चों इसमें चौथी टाइप हम करेंगे, प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या है कि दो तो कोण दिए हुए हैं और तीन भुजाएं, यानी तीन भुजाएं दी हुई है, एक दो तीन, और दो कोण दिए हुए हैं, उस चतुर्भुज की रचना हमें कैसे करेंगे, बिल्कुल वही तरीका। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे, यहां पर ऐसे एक रफ आकृति बना लेंगे, ये डी ई ए आर ये एक रफ आकृति है, इसमें डी ई 4 सेंटीमीटर, ई ए 5, आर ए 4.5, कोण ई पर 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये बच्चों हमने एक रफ आकृति बना ली। अब बिल्कुल हमें जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से सबसे पहले एक रेखाखंड डी ई 4 सेंटीमीटर लेंगे, ऐसे एक रेखाखंड ये ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर डी ई, चार सेंटीमीटर ये हमने ले लिया, एक रेखाखंड है 4 सेंटीमीटर। ई बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से बच्चों, ई बिंदु पर 90 डिग्री का हमें कोण बनाएंगे, थोड़ी सी प्रकार खोल के ऐसे,
60 और 120, ये दूसरी चाप। अब यहां से एक चाप लगाएंगे ऐसे करके, एक यहां से लगाएंगे, नहीं प्रतिच्छेद किया तो हम दोबारा से यहां से इसको प्रतिच्छेद कराएंगे ऐसे। ये 90 डिग्री का हमने ई बिंदु पर बच्चों कोण बनाया। फिर क्या करेंगे, जैसे इसको हमने टिक कर दिया, ई बिंदु का हमने प्रयोग कर लिया जो 90 का एंगल था। अब इसको हमें एक रेखा खींचेंगे 90 डिग्री के कोण की, ये बच्चों आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का कोण। ए ई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे बच्चों ऐसे 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के पैमाने पर ऐसे प्रकार खोल के ये एक चाप लगा देंगे 5 सेंटीमीटर की, ई बिंदु पर रख के ऐसे, ये हमने एक चाप लगा दी और ये बच्चों बिंदु आया ए 5 सेंटीमीटर, ई ए 5 सेंटीमीटर, इसको हमने कर लिया ऐसे टिक कर, सही है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ए आर 4.5 है और ए पर 60 डिग्री का कोण है बच्चों। अब प्रकार की सहायता से ए बिंदु पर पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे लेके, प्रकार को थोड़ा सा खोल लेंगे, ऐसे यहां से 60 डिग्री है तो ऐसे कट कर देंगे ये। अब 60 डिग्री का जो कोण है बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे 60 डिग्री का जो एंगल है ऐसे एक रेखा खींच देंगे 60 डिग्री कोण से, ऐसे ये 60 डिग्री के कोण से एक रेखा खींचेंगे और यहां पर हमने 60 डिग्री एंगल ए ले लिया, इसको टिक कर देंगे 60 डिग्री है। अब ए आर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे पैमाने की सहायता से 4.5, यहां पर ऐसे करके ये 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे बच्चों, ये ऐसे ए बिंदु पे रखेंगे और यहां से इसको एक चाप लगाएंगे यहां से करके ये एक चाप लगा दी। अब ये जो बिंदु आया बच्चों, ये कौन सा बिंदु आया, आर, ये कौन सा बिंदु आया, आर। अब हमने देखिए ए आर 4.5 सेंटीमीटर ले लिया और क्या था 60 डिग्री का ले लिया, सारे के सारे मापों का हमने प्रयोग कर लिया। अब हमें डी आर को मिलाएंगे पैमाने की सहायता से ऐसे और इनके माप लिख देंगे बच्चों, यहां पर है 60 डिग्री और ए आर 4.5 सेंटीमीटर, ये चतुर्भुज बन गए। अब इसकी रचना कैसे लिखें बच्चों, बड़ा आसान है रचना। फर्स्ट स्टेप, एक रेखाखंड डी 4 सेंटीमीटर खींचिए, ई बिंदु को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाइए, ई बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए जो कि ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ए बिंदु को केंद्र मानकर क्या करेंगे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ए बिंदु को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर ए बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई जो कि बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, आर डी व आर ए को मिलाइए, इस प्रकार डी ई ए आर एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गई। ये था बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4। पांचवी टाइप बच्चों, इसमें हम एक वर्ग की रचना करेंगे जिसमें वर्ग की एक भुजा दी हुई है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम इसमें सबसे पहले बच्चों एक रफ आकृति बना लेंगे वर्ग की, जैसे ये बना लेंगे एक रफ आकृति खींचेंगे ऐसे,
ये बच्चों हमने आर ई ए डी एक वर्ग, ये 90 का एंगल है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है इसमें, और ए आर ई 5.1, ये भी 5.1, ये भी 5.1 और ये भी, यानी इस प्रकार से हम इसकी एक रचना करेंगे। बच्चों बिल्कुल आसान, कैसे, इसमें एक रेखाखंड सबसे पहले आर ई 5.1 सेंटीमीटर लीजिए पैमाने से, एक रेखाखंड 5.1 ये हमने 5.1 सेंटीमीटर आर ई ले लिया, ये 5.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों प्रत्येक कोण वर्ग का 90 डिग्री का होता है, तो हम क्या करेंगे, ई बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और आर पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार की सहायता से बच्चों सबसे पहले जैसे यहां पर नब्बे डिग्री का कोण बनाएंगे 60 और दूसरा 120, ये यहां से पहले 120 वाले पॉइंट से रख के एक चाप लगाएंगे, ऐसे 120 वाले पे रखेंगे ये, फिर 60 वाले पे रखेंगे ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसी प्रकार यहां पर भी आर बिंदु पे रख के ऐसे प्रकार को आर बिंदु पर रखकर बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाना हमने, ऐसे यहां पर है 60 पहली चाप, दूसरी चाप ये 120 की, और एक 60 वाली से लगाएंगे ऐसे, और एक 120 वाली से लगाएंगे ऐसे, ये दोनों ही कोण बच्चों यहां पर आर बिंदु पर भी और ई बिंदु पर भी 90-90 के बन गए। तो हम यहां से एक रेखा खींचेंगे, जैसे ये ऐसे ही आर बिंदु से ये दोनों ही कोण 90-90 डिग्री के हैं। अब हमें क्या करें, 5.1 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, या तो बच्चों पैमाने से खोल लीजिए, या यहां पर भी हम ऐसे भी खोल सकते हैं, ऐसे भी, या हम इसको पैमाने पर भी खोल सकते हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके 5.1 सेंटीमीटर, यहां से 5.1 सेंटीमीटर ये चाप लगाएंगे, और यहां से 5.1 सेंटीमीटर की एक चाप यहां से लगाएंगे ये। तो ये बिंदु बच्चों एक आया ई और एक आएगा डी, एडी को मिलाइए, ये तो ये एक आर ई ए डी एक वर्ग बन गया, ये 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, ये एंगल भी 90 का है, और ये एंगल भी बच्चों 90 डिग्री का है, यानी ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहां पर 90 डिग्री का ये है, और 90 डिग्री का ये एंगल, यानी ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान है, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अब बच्चों इसकी रचना कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वही तरीका, एक रेखाखंड आर ई 5.1 सेंटीमीटर खींचिए, ई बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, आर बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, ई बिंदु को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए जो कि ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आर बिंदु को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की अन्य चाप लगाइए जो डी बिंदु पर है प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार ए डी को मिलाइए, और हम कहेंगे इस प्रकार आर ई ए डी एक अभीष्ट वर्ग बन गया। तो बच्चों आज की जो वीडियो है इसमें हमने 4-5 टाइप के जो चतुर्भुज थे वो किए, कि किस किस प्रकार से हमें
चतुर्भुजों की रचना कर सकते हैं। आज बच्चों इतना ही, आप बिल्कुल आराम से रचनाओं को करके देखेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।